आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। स्पॉन्सर्ड बाय जी इंटीरियर पर नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज पर आज की बिहार नीति। आशा करता हूं आप सब परिवार समेत स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज की बिहार नीति में हम बात करेंगे आपदा और विपदा में हमारा बिहार और बिहार के नेता कितने तत्पर रहते हैं। क्या इनकी तत्परता सिर्फ बतौलाबाजी में ही रहती है कि जमीनी स्तर पर भी आई समस्या के निष्पादन में इनकी भूमिका आम जनमानस को कितना प्रभावित करती है। बहरहाल पिछले दिनों यास तूफान ने अपनी तूफानी चाल से सबको प्रभावित किया है। आपने देखा ही होगा कितने गरीब घर से बेघर हो गए, कितनों की फसलें बर्बाद हो गईं। बिहार के शहर शहर में जल जमाव से उपजी स्थिति भी आपसे छिपी नहीं है। पटना के लोग भी काफ़ी परेशान रहे हैं। सरकार की तैयारियां क्या रहीं यह बात बताने वाली नहीं है क्योंकि आप सबसे ज़्यादा जानते हैं। खैर, जल जमाव पर तेजस्वी का सरकार पर हमला है, वही हमला, शब्द वाला हमला, आप समझ गए होंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के शहर सबसे प्रदूषित और गंदे हैं। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को निशाने पर लेना इनका कर्तव्य है, क्योंकि अगर यह इन्हें नहीं सुनाएंगे तो जनता कैसे जानेगी कि हमारे हक की लड़ाई लड़ी जा रही है। आइए इस बात की गहराई मापते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने सरकार को आरोप लगाया है कि नागरिक सुविधाएं नहीं हैं, साथ ही जल निकासी और सफाई की कोई परवाह नहीं हो रही है। इस सरकार में तेजस्वी का यह आरोप सही है या गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दरअसल ओडिशा और बंगाल में तबाही मचाने के बाद कमज़ोर पड़े चक्रवाती तूफान का असर बिहार के कई ज़िलों में देखा जा रहा है। चक्रवात तूफान के चलते बिहार में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से सूबे के कई इलाकों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण काल में राज्य के सबसे बड़े कोविड अस्पताल पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सहित राज्य के कई अस्पतालों में भी पानी घुस गया है, पेड़ आदि गिर गए हैं। पटना सहित कई जगह पर बिजली का आँख मिचौली का खेल जारी है। तूफान का वायु, रेल व सड़क यातायात पर भी काफ़ी असर पड़ा है। इन सब हालातों के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर परोक्ष रूप से सरकार को निशाने पर लिया है। तेजस्वी यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा है कि थोड़ी सी भी बारिश और पटना पूरा पानी पानी हो जाता है, जिसमें आम जनजीवन खतरे में पड़ जाता है। यही हाल बिहार के हर जिले का है। तेजस्वी यादव ने आगे लिखा कि नागरिक सुविधाएं नहीं, जल निकासी और सफाई की कोई परवाह नहीं, कोने कोने में कूड़े के ढेर। कोई आश्चर्य नहीं कि बिहार के शहर सबसे प्रदूषित और गंदे हैं। वहीं इससे पहले तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के एक वीडियो को शेयर कर नीतीश और बीजेपी की सरकार पर सीधा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा, इसका जिम्मेवार विपक्ष है, क्योंकि प्रदेश में 16 वर्षों से एनडीए की सरकार है। जहां जल जमाव हो रहा है, 35 वर्षों से वहां के जनप्रतिनिधि बीजेपी के विधायक, सांसद, मंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं। इन क्षेत्रों के मतदाता सबसे अधिक शिक्षित हैं, लेकिन जाति धर्म को प्राथमिकता देते हैं। बहरहाल सरकार की दुरुस्त कार्यशैली, हमारी आपकी जागरूकता और विपक्ष की तत्परता बिहार के विकास में क्या भूमिका निभा रही है यह कहने वाली बात नहीं। हम भी समझते हैं और आप भी जानते हैं। अब देखना यह है कि बिहार में बहार है कि दहार है, क्योंकि बरसात अभी बाकी है। फिलहाल आज के बिहार नीति में इतना ही। आप देखते रहें टीडी न्यूज। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस न करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा टीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।